कानपुर देहात में सरकारी विद्यालय के बाउंड्री निर्माण के दौरान युवक के द्वारा कब्जा न हटाने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, गांव के एक युवक के द्वारा स्कूल परिसर की जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण फैला रखा है। ग्रामीणों ने बताया, कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूल परिसर की जमीन पर लगे पेड़ों को युवक ने चोरी चुपके काट कर ठेकेदार को किया बिक्री। युवक ने ग्राम प्रधान के द्वारा पेड़ काटने की कही बात। पूरा मामला रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय का है। जगह हमारी भी थी, ठीक है। अब बाउंड्री जब पैमाइश हुई तो वो अंदर आ रही है, तो उन प्रधान जी ने कहा कि नाम इसको साफ करो, हम बाउंड्री बनाएंगे, इसीलिए हमने वो तो बाउंड्री जो बन रही है स्कूल की है जी। वो स्कूल परिसर की सीमा की जमीन है या आपकी जमीन पर्सनल? ये साहब हमारी है, लेकिन बस वही अकेला घर है, उस वजह से परेशान है ना सब लोगों ने। दबंगई मैया वो कह रहे हैं स्कूल परिसर की है, तो ठीक है उसी में ले नहीं, लेकिन लेखपाल जो है वो उनका कहना है कि सीमा जो जमीन है वो यानी कि स्कूल परिसर की सीमा। लेखपाल साहब आए थे, वो कह गए थे, उन्होंने नापी थी, तो उन्होंने कहा था जो इधर की बाउंड्री बन गई है इसी से आप उधर पिलर खड़ा करके जुड़वा दीजिए। तो पेड़ आप अपनी संपत्ति मान के कटवा रहे हैं? नहीं, संपत्ति मान के नहीं कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा था ये सफाई करवाना है भाई, ये अंदर आ रहे हैं। किसने, तो किसने कहा था? राम जी ने कहा था, और यहाँ के लोगों ने कहा था कि कानून बाउंड्री बन रही। प्रधान कौन है आपके? आपके प्रबंधन सिंह। प्रबंधन सिंह, उन्होंने खुद कहा था? हाँ, जानकारी यही है कि हमारा जितना रकबा है उतना हमको मिल जाना चाहिए, बाउंड्री हो जाना चाहिए। अच्छा, विद्यालय परिसर में जो पेड़ वगैरह लगे हैं वो एक व्यक्ति का कहना है कि हमारे हैं, हमने लगाए हैं, ये क्या पूरा मामला है? रकबा निकाल लिया जाए, उसी में जो पेड़ है तो उनके भी दे दिया जाए। हाँ, विद्यालय का है तो विद्यालय में ले लीजिए। ग्राम प्रधान से कोई इसमें है क्या दिक्कत? ये तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।